आप 20 करोड़ रुपया खर्च करेगा, जिसको लेकर विस्तृत जानकारी मेयर ने प्रेस वार्ता कर दी। शुरू से मंशा थी कि 8 भागों में पहले काम हो लखनऊ का। हमने 2-3 बार टेंडर किया, ना कोई आया, ना लोकल कंपनी आया, ना कोई बड़ी कंपनी आई। फिर 8 जोन को हमने 3 पैकेज बनाया है, 3-3 जोन एक पैकेज में, 2 जोन एक पैकेज में। उसमें 4-5 कंपनी आई है। तो जब आज टेंडर खोला गया तो पहले मैंने जिसमें 2 जोन थे 3 नंबर पैकेज खोला, तो उसमें रैंक भी आ गई है। तो फिर हमने कहा कि आगे फिर 2 पैकेज में पहला नंबर खोला तो उसमें भी रैंकिंग आई, तो 1 पैकेज मैंने निरस्त कर दिया। क्योंकि मेरे शुरू से मंशा है कि लखनऊ नगर निगम में 2 या 3 कंपनी आए, और जब ये निरस्त हो गया तो इसको नगर निगम में जो कर्मचारी हैं हमारे, ये लोग इसमें काम करेंगे और ये हम स्वयं करेंगे। ये हमारे मंशा है, लेकिन अभी भी कूड़े की समस्याएं लगातार बनी हुई है, आज नहीं हो पा रहा है। आज की डेट में समाधान हुआ है, आप मुझे 1 महीना 2 महीना दीजिए। आप से मैं वादा कर रही हूँ कि होली में आपको लखनऊ चमकता हुआ मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। विश्वास है मुझे अपने आप पे, इसलिए विश्वास है कि इको ग्रीन को कोई हटा नहीं पा रहा था, इको ग्रीन कोर हो गया था हमारे लिए। मैं आते ही 2 महीने में उसे निपटाया। कुछ नियमावली होती है कि 21 दिन का टेंडर डालना ही होता है, 14 दिन का टेंडर डालना ही होता है, इसलिए 2 महीना ये टेंडरों पर लगा है। लेकिन हमको सफलता मिली है, आने वाले 2-3 महीने में आपको कुछ परिवर्तन मिलेगा। नहीं, नहीं, पहले ऐसा होता था कि झाड़ू सड़क पे झाड़ू दूसरी कंपनी मारती थी, नाली दूसरी कंपनी साफ करती थी, 2 फुट से दूसरी कंपनी एक दूसरे पे आरोप लगा देते थे, हम तो साफ करके गए तो उन्होंने फेंक दिया। इसलिए हमने नाली, जो छोटी नाली है घर के आगे की, नाली भी वही कंपनी साफ करेगी, घर से कूड़ा भी वही ले जाएगी, घर के आगे जो रोड है वो भी वही साफ करेगी, ताकि एक दूसरे पे कोई आरोप न लगा पाए। मैम एक समस्या है, कि जितने बड़ी बड़ी कॉलोनी में उसमें खाली प्लॉट बहुत बड़ा कूड़े का ढेर बनता जा रहा है, उसके लिए नोटिस का भी सिस्टम है, उस पर चलान का भी सिस्टम है, ये क्यों नहीं हो पा रहा है, इसकी क्या करना है? इस पर होगा। अब आप ये कंपनी जैसे काम संभालेंगे तो मुझे नहीं लगता कि जनता प्लाटों में कूड़ा फेंकने जाएगी, क्योंकि इको ग्रीन ने कूड़ा नहीं उठाया तो कहीं ना कहीं तो मुझे कूड़ा बाहर फेंकना ही है। तो अब मुझे लगता है ये समस्या नहीं आएगी, इसके बाद भी ये समस्या आएगी तो इसमें हमारी भी जिम्मेदारी है और जो कंपनी काम कर रही है उसकी भी जिम्मेदारी है। जब वो उस क्षेत्र में कूड़ा उनके घर से उठ जाएगा तो कैसे प्लाटों में जाएगा? आप ये बताइए, जब इको ग्रीन अच्छी कंपनी बनी थी तो उसकी एक सहयोगी संस्था थी डीएस प्रेस, उसको सेकेंडरी के लिए टेंडर क्यों दिया गया 3 महीने? ये 3 महीने कैसे जाएंगे जब तक इनका सेटलमेंट होगा? हम कहां से ढूंढ के लाए जल्दी? उन्होंने आवेदन किया और कोई आया भी नहीं था। ये सेटलमेंट होने में उनको 2-2.5 महीने लगेगा इस कंपनी को, तो 3 महीने तक उनका उनके सहयोग करते, उसके बाद ये भी बाहर। जो पुरानी कंपनियां अभी लगी हुई है इस समय, वो भी 3 महीने काम? नहीं नहीं नहीं, धीरे धीरे टेक ओवर होता रहेगा मैम। आज हमने ना इनको गाड़ी देनी है, ना इनको ट्राली देनी है, तो ये अपना जैसे जैसे एक साथ पूरे ट्रक को खरीदने लाएंगे, तो जैसे जैसे इनको 1 महीना तो लगी जाएगा काम सब स्टार्ट करने में, तो उतनी देर कौन करेगा काम? उतनी देर हम तो काम करेंगे। अब नहीं होगी, अब हम सर्वे करेंगे, लगाम लगेगा, क्योंकि कहीं कहीं तो हमारी मंशा साफ है तो हम एक काम करेंगे। और छूट के साथ और क्या निर्णय लिए गए? सबसे बड़ा निर्णय हमने कूड़े का लिया और इसमें मुझे लगता है कि 70% हमें सफलता मिल गई है, 30% भी सफलता हो जाएगी। उसके बाद जनता के लिए 3 महीने के लिए भी 5% की छूट दे दी, जिससे कि हम लोग कलेक्शन कर सके, अच्छा काम कर सके। इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा काम हुआ है, इसके तो गवाह आप भी हैं, आप भी लखनऊ में घूम रहे हैं, कहीं भी 1-2 बार जब शिकायतें आए तो तुरंत कार्रवाई हुई। लेकिन आज भी इंजीनियरिंग में जो काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, 1-to-1 हो रहा है कि रोड के साथ साथ नाली खड़ा भी बन रहा है और मुझे लगता है कहीं कोई शिकायत नहीं। अगर इसे हटाना है तो कार्यकारिणी की पावर है, कार्यकारिणी अपनी पावर से हटाएगी, काम अच्छा करेगी तो ये कंटिन्यू 10 साल काम करेगी।
ये रिजल्ट आपको 6 महीने में पता चल जाएगा, ये 10 साल काम करेगी, हट जाएगी। शासन से 57 करोड़ उसके लिए वो लेगेसी के लिए मिला था, उसी को उसी में इको ग्रीन वो आ गई है, भूमि ग्रीन आ गई है, टेंडर हो गया, काम गाड़ियां उसके आ गई है, कानपुर ये शुरू हो गया। भैया 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 कल कानपुर में इनके बड़े बड़े ट्रक वगैरह जो भी गाड़ियां थी कल कानपुर से बाहर हुए, आज लखनऊ में आ गए, इनका अपना काम शुरू हो गया और बहुत जल्दी आपको रिजल्ट। मथुरा में राम